हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे, दैट इज डेप्रिसिएशन। ये इसका पार्ट 10 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट एंड साथ ही हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसके अंदर हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट क्या है। तो उसमें लिखा है, व्हेन पार्ट ऑफ द एसेट इज सोल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, इट इज अप्रोप्रिएट टू ओपन अ न्यू अकाउंट कॉल्ड एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इसका मतलब है कि जब भी हम एसेट को सोल्ड करते हैं या फिर डिस्पोज करते हैं, तो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए जो न्यू अकाउंट ओपन किया जाता है उसे हम कहेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो यहां पर आपको याद रखना है कि कंपनी के पास एक ये ऑप्शन भी होता है कि अगर वो किसी एसेट को सोल्ड करे तो उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए वो एक न्यू अकाउंट ओपन कर सकती है, जिसे हम बोलेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट। आगे लिखा है, इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट एंड क्लियर व्यू ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्वड इन द सेल ऑफ एन एसेट एंड शोज द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। इसका मतलब है कि जब हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें सिर्फ उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो आपकी एसेट को सोल्ड करने से रिलेटेड है, जिससे आपको एक कंप्लीट और क्लियर व्यू मिलता है सभी ट्रांजेक्शन का जो एसेट को सेल करने से रिलेटेड है। साथ ही आपको ये हेल्प भी मिलती है कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर करने से आपको एसेट को सोल्ड करने पर जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसे भी आप पता कर सकते हैं। तो यहां हम कह सकते हैं कि फर्म अगर चाहे तो एक न्यू अकाउंट ओपन करेगी जब भी वो एसेट को सोल्ड करे, ताकि एसेट को सोल्ड करने से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शंस हैं उनको वो सेपरेटली देख सके और साथ ही पता कर सके कि एसेट को बेचने से क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ। आगे लिखा है, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द एंट्रीज इन द एसेट डिस्पोजल अकाउंट विल डिपेंड ऑन द फैक्ट वेदर अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड और नॉट। ये आपका क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट में किन चीजों को किस तरह रिकॉर्ड करना है, किन ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग करनी है, वो डिपेंड करता है कि क्या आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन कर रहे हो या फिर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं कर रहे हो। तो हमें क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि आपको एसेट डिस्पोजल अकाउंट के साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है या नहीं। अगर प्रिपेयर करते हो तो अलग एंट्रीज होंगी, अलग तरीके से कुछ चेंजेस होंगे क्वेश्चन के अंदर, और अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करते हो तो उससे भी क्या इंपैक्ट पड़ेगा क्वेश्चन पे वो डिपेंड करता है। तो यहां पर आपके दो सिचुएशन हो गई, एक तो हो गई जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर ना करो, और एक हो गई जहां पर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करोगे। तो यहां पर अब हम रूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जहां पर हम दोनों ही सिचुएशन को लेंगे। एक तरफ आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करोगे और दूसरी तरफ हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। नाउ हम डिस्कस करते हैं नोट्स के बारे में रिलेटेड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो समझने के लिए हम एक टेबल बना रहे हैं जहां पर हम दोनों सिचुएशन को लेंगे। फर्स्ट सिचुएशन होगी व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, एंड सेकेंड सिचुएशन होगी When provision for depreciation account is maintained. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम provision for depreciation account को maintain नहीं करते हो और अगर आप asset को sold कर रहे हो तो उससे related कौन कौन सी entries होंगी। तो इसमें सबसे पहली entry है, for transferring the book value of the asset sold to asset disposal account. इसका मतलब है कि अगर आप asset को sold करते हो तो उसके लिए आप सबसे पहले एसेट अकाउंट में से जो एसेट आप सोल्ड कर रहे हो उसकी बुक वैल्यू को आप ट्रांसफर करोगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, जिसकी एंट्री होती है एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। आपको यह याद रखना है कि यह एंट्री तभी की जाएगी जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं कर रहे हो और आपने एक एसेट को सोल्ड कर दिया है। अगर आप एसेट को सोल्ड करते हो और आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट को मेंटेन कर रहे हो पर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो सिचुएशन के अंदर आप
एसेट की बुक वैल्यू को ट्रांसफर करोगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, जिसकी एंट्री होगी एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इसके अपोजिट, अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हो, तो यहां पर आपकी दो एंट्रीज होंगी जब आप एसेट को सोल्ड करोगे। सबसे पहली एंट्री होगी फॉर ट्रांसफरिंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इसका मतलब है कि अगर आप एसेट को सोल्ड करते हो और आप साथ ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन भी करते हो, तो आपको एसेट अकाउंट में से ओरिजिनल कॉस्ट को ट्रांसफर करना होगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, जिसकी एंट्री होगी एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये तो हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री, जहां पर आप ओरिजिनल कॉस्ट को ट्रांसफर कर रहे हो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, जो भी एसेट आप सोल्ड करने वाले हो। देन आपकी सेकेंड एंट्री होगी फॉर ट्रांसफरिंग द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट सोल्ड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इसका मतलब है कि आपने एसेट को सोल्ड कर दिया है और आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन भी कर रहे हो, तो आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में से जो भी एसेट आप सोल्ड करने वाले हो, उस पे अब तक लगाए गए टोटल डेप्रिसिएशन को आप ट्रांसफर करोगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, जिसकी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो ये आपकी दो सिचुएशंस हैं जहां पर ये दो एंट्रीज की जाएंगी। फर्स्ट सिचुएशन के अंदर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं कर रहे हो, जिसके अंदर हम बुक वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। सेकेंड सिचुएशन के अंदर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन कर रहे हो, तो वहां पर आपकी दो एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री होगी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट को आपको ट्रांसफर करना है एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, जिसकी एंट्री होती है एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और सेकेंड एंट्री होगी जो भी एसेट आप सोल्ड कर रहे हो, उस पे अब तक लगाए गए टोटल डेप्रिसिएशन को आप ट्रांसफर करेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में, जिसकी आप एंट्री करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो ये आपकी दो सिचुएशंस हैं जो आपको अच्छे से देखनी पड़ेगी जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इसके बाद जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं वो दोनों सिचुएशन में सिमिलर रहेगी। आपकी जो नेक्स्ट एंट्री होगी सेकेंड, वो एसेट को सोल्ड करने की होगी। इसमें लिखा है रिकॉर्डिंग सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट। इसका मतलब है कि एसेट को सोल्ड कर रहे हो तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। और आपकी थर्ड एंट्री होगी फॉर प्रॉफिट ऑन एसेट डिस्पोजल, यानी अगर आपको एसेट सोल्ड करने से प्रॉफिट होगा तो उसके लिए आप एंट्री करेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहां पर एक नोट है जो आपको याद रखना है। इसमें लिखा है इन केस ऑफ लॉस द अबव एंट्री विल बी रिवर्स्ड। इसका मतलब है अगर आपको एसेट को सोल्ड करने से लॉस होता है, तो आपकी जो एंट्री है प्रॉफिट वाली वो रिवर्स हो जाएगी, यानी लॉस की सिचुएशन में आप एंट्री करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो ये थे आपके नोट्स जो आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ आगे हम देखेंगे कि इन एंट्रीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा जब आप एसेट अकाउंट को प्रिपेयर करोगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर करोगे और साथ ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी प्रिपेयर करोगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सिचुएशन को लेंगे जहां पर आपको दो ही अकाउंट मेंटेन करने होंगे, एक होगा एसेट अकाउंट और दूसरा होगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को अभी हम नहीं लेंगे, उसे हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह एसेट डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है जहां पर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम वो रूल्स डिस्कस करेंगे जो अब तक हम प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं, एंड देन हम चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एसेट अकाउंट। तो ये एसेट अकाउंट का फॉर्मेट है। हम जानते हैं कि जब भी आप एसेट को परचेज करते हैं तो उसे एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके लिए हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। देन साल के एंड में हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं,
जिसे हम एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जिसके लिए आप लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देन अगर हम एसेट को सोल्ड करते हैं तो उसको भी हम एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जिसके लिए आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। देन अगर एसेट को बेचने से लॉस होता है तो उसे भी आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, जिसके लिए आप लिखते हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर एसेट को बेचने से प्रॉफिट होता है तो उसे आप डेबिट साइड में लिखते हैं टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देन इसके बाद हम क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करते हैं, जहां पर क्लोजिंग बैलेंस को निकालने का तरीका होता है डेबिट साइड का टोटल माइनस क्रेडिट साइड का टोटल, जिससे आपका क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस आता है, जिसके लिए हम लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी। एंड देन ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है, जिसे हम डेबिट साइड में लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। तो ये तो वो रूल्स हो गए जो अब तक हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियोस के अंदर। नाउ अगर हम यहां पर एसेट डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आएंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स हैं, आपको उसको इसी तरह याद करना है जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि आप जब क्वेश्चन करें तो आपका एक बार में क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाए। तो सबसे पहले हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं, देन हम एक एक करके जो एंट्रीज हमने ऊपर डिस्कस करी थी उसकी पोस्टिंग करेंगे और इन रूल्स को अच्छे से याद रखेंगे। तो यहां पर हम देखने वाले हैं कि आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हो और आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले आपकी एंट्री होगी फर्स्ट, जहां पर आप एसेट की बुक वैल्यू को ट्रांसफर करोगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर, जिसकी एंट्री होती है एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इस सिचुएशन में जब हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे तो उससे फर्क यह आएगा कि एसेट अकाउंट में जो आपने क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट लिखा है उसको हटा करके हम लिखेंगे बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट, और इसके अंदर एसेट की बुक वैल्यू को ट्रांसफर किया जाएगा। कि किस तरह निकालेंगे उसको आप क्वेश्चन में अच्छे से समझ जाओगे, फिलहाल सिर्फ रूल्स को याद रखना है। तो यहां पर हमने बाय बैंक को हटा करके बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट को लिखा है, जहां पर हम बुक वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। नाउ जब हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे तो फर्स्ट एंट्री को आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, जिसके लिए आप लिखेंगे टू एसेट अकाउंट। तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग। देन आपकी सेकेंड एंट्री है कि आप एसेट को सोल्ड कर रहे हो, तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, इसे आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जहां पर आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। द नेक्स्ट एंट्री, अगर आप एसेट को सोल्ड करते हो और उससे अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप एंट्री करते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसे भी हम रिकॉर्ड करेंगे। आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट में लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपको एसेट को सोल्ड करने से लॉस होता है तो, और अगर आपको एसेट को सोल्ड करने से प्रॉफिट होता है तो उसे आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो मेनली यहां पर आपको इन दो फॉर्मेट्स को अच्छे से याद रखना है, जहां पर आपको ये अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है कि अगर आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हो जहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया जाता है, तो दोनों अकाउंट्स में कौन कौन सी चीजें कब आएंगी, इसे आप अच्छे से लिख लीजिए। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको एक बार में समझ आ जाएगा कि किस तरह एसेट डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। तो इन नोट्स को और बेटर समझने के लिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 है। जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सेम उसी तरह इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन के अंदर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे,
एंड देन उस लाइन पर हम क्वेश्चन की पूरी डिटेल को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है, ऑन 1st अप्रैल 2015 एसएच लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग ₹5 लाख प्लस आईजीएसटी एट द रेट 12%। तो यहां पर आपको जीएसटी को तो इग्नोर करना है, मेन चीज है कि आपने 1 अप्रैल 2015 को एक मशीनरी परचेज करी जिसकी वैल्यू है 5 लाख। तो इससे आप लाइन पर लिखेंगे, ये आपकी फर्स्ट परचेज है जहां पर डेट आएगी 1 अप्रैल 2015 और अमाउंट आएगा 5 लाख रुपीज। देन आगे लिखा है, ऑन 1st जुलाई 2018 द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹2 लाख प्लस आईजीएसटी एट द रेट 12%। इसका मतलब है कि आपने मशीन को सोल्ड किया है ₹2 लाख में ऑन 1st जुलाई 2018 जहां पर आपने जीएसटी कलेक्ट किया है एट द रेट 12%। तो आपको जीएसटी को तो इग्नोर करना है, मेन है कि आपने 1 जुलाई 2018 को मशीनरी को सोल्ड कर दिया फॉर ₹2 लाख। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मशीनरी को हमने थर्ड फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के बाद हमने 3 महीने और यूज किया एंड देन उसके बाद सोल्ड किया है। तो सबसे पहले हम जो पहले के फाइनेंशियल ईयर है उनको क्लोज करेंगे। आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 31st मार्च 2016 को, देन सेकेंड फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 31st मार्च 2017 को, इसी तरह थर्ड फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 31st मार्च 2018 को, एंड देन आपने 3 महीने और यूज किया मशीनरी को और फिर उसे बेच दिया 1 जुलाई 2018 को ₹2 लाख। तो इसे हम लाइन पर लिखेंगे। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम एसेट को सोल्ड करते हैं तो वो कौन से फाइनेंशियल ईयर में बेची जा रही है। अगर आप इसको समझने में गलती कर दोगे तो आपका जो आंसर निकलेगा वो गलत होगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एसेट को कौन से फाइनेंशियल ईयर में बेचा जा रहा है। देन आगे लिखा है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसका मतलब है कि आपको यहां पर मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करना है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर करना है और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द रेट 10% पर एनम, जहां पर आपको मेथड यूज करना है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो यहां पर हम जानते हैं कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड ही होता है। तो यहां पर आपको डेप्रिसिएशन की रेट 10% लेनी है जहां पर आपका मेथड होगा स्ट्रेट लाइन मेथड। देन आगे लिखा है, अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st मार्च ईच ईयर। आपको अकाउंट्स हर साल 31 मार्च को क्लोज करना है। और इस तरह आपका पूरा क्वेश्चन हमने लाइन पर लिख लिया है। नाउ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लाइन को देखते हुए। नाउ सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे एंड देन जो भी ट्रांजैक्शन मशीनरी अकाउंट से रिलेटेड है उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है कि आपने 1 अप्रैल 2015 को 5 लाख रुपए की मशीनरी को परचेज किया है। और हम जानते हैं कि जब भी आप एसेट को परचेज करते हो तो उसे एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। तो हम मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले डेट लिखेंगे 2015 अप्रैल 1st, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट एंड अमाउंट आएगा 5 लाख रुपीज। आगे आपने फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई और ट्रांजेक्शन नहीं किया है, इसलिए आप साल के एंड में डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। हमने मशीनरी को पूरे 12 महीने यूज किया है, इसलिए मशीनरी पर पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। यहां पर आपका डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ अपॉन 12, जिससे आपकी इक्वेशन बनेगी 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स। और इसको सॉल्व करने से आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 50,000। देन इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। हम जानते हैं कि एसेट पर जब भी डेप्रिसिएशन को लगाया जाता है तो उसे हम एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले आप क्रेडिट साइड में डेट लिखेंगे 2016 मार्च 31st, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और अमाउंट आएगा 50,000। देन हम क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे और हम जानते हैं कि एसेट का जो क्लोजिंग बैलेंस आता है वो क्रेडिट साइड में आता है।
तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले आप डेट लिखेंगे मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, एंड क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करने के लिए आप डेबिट साइड के टोटल में से लेस करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल, यानी आप 5 लाख रुपीज में से लेस करेंगे 50,000, जिससे आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 4,50,000। एंड देन ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा, जिससे आप डेबिट साइड में लिखेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2016 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, एंड अमाउंट आएगा 4,50,000। इस तरह आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है। नाउ हम सेकंड फाइनेंशियल ईयर को देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सेकंड फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी हमने मशीनरी को पूरे 12 महीने यूज किया है, तो मशीनरी पर पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। यहां पर भी आपकी सेम इक्वेशन बनेगी, क्योंकि यहां पर हम स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि जब भी हम स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करते हैं तो डेप्रिसिएशन को हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर कैलकुलेट किया जाता है, यानी हम डेप्रिसिएशन को सेकेंड फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी 5 लाख रुपीज पर ही कैलकुलेट करेंगे। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 5 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, जिससे आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 50,000। इसे भी हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सबसे पहले आप डेट लिखेंगे 2017 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड अमाउंट आ जाएगा 50,000। देन अगेन हम क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए आप क्रेडिट साइड में डेट लिखेंगे मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, और क्लोजिंग बैलेंस को निकालने के लिए आप डेबिट साइड के टोटल में से लेस करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल, यानी आप 4,50,000 में से लेस करेंगे 50,000 को, जिससे आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 4 लाख रुपीज। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा, जिसे आप डेबिट साइड में लिखेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2017 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, एंड अमाउंट आ जाएगा 4 लाख रुपीज। इस तरह आपका सेकेंड फाइनेंशियल ईयर भी कंप्लीट होता है। नाउ आपका थर्ड फाइनेंशियल ईयर आ चुका है, यहां पर भी आपका सेम 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि आपने एसेट को पूरे 12 महीने यूज किया है। आपकी इक्वेशन भी सेम बनेगी, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, जिससे आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 50,000। देन इसे हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले आप डेट लिखेंगे 2018 मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट आएगा 50,000। देन वापस से क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए आप डेट कॉलम में लिखेंगे मार्च 31, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, और क्लोजिंग बैलेंस को निकालने के लिए आप डेबिट साइड के टोटल में से लेस करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल, यानी आप 4 लाख में से लेस करेंगे 50,000, जिससे आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 3,50,000। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा, जिसे आप डेबिट साइड में लिखेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2018 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और अमाउंट आ जाएगा 3,50,000। इस तरह आपके 3 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ आपका फोर्थ फाइनेंशियल ईयर आ चुका है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ईयर है। आपने फोर्थ फाइनेंशियल ईयर के अंदर एसेट को 3 महीने यूज किया और उसके बाद बेच दिया ऑन 1 जुलाई 2018 फॉर ₹2 लाख। तो सबसे पहले हम एसेट को जितने टाइम यूज किया है फोर्थ फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उतना आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यहां पर आपकी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की इक्वेशन बनेगी 5 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स। यहां पर हमने 3 मंथ्स इसलिए लिए हैं क्योंकि आपने एसेट को सिर्फ 3 महीने ही यूज किया है। इसको सॉल्व करने से आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 12,500, जिसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आप डेट लिखेंगे 2018 जुलाई 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 12,500।
नाउ हम एसेट को सोल्ड कर रहे हैं, तो यहां पर हम जानते हैं कि एसेट को सोल्ड कर रहे हो और आप एसेट डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर भी कर रहे हो, तो एसेट को सोल्ड करते टाइम उसको किस तरह सॉल्व करना है, उसका बेस्ट तरीका यह है कि आप वर्किंग नोट को प्रिपेयर करें जिसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर लें सबसे पहले, एंड देन उस पूरे प्रोसीजर में देखें कि कौन सी चीज कहां पर आएगी। समझने के लिए सबसे पहले वर्किंग नोट देखते हैं। वर्किंग नोट देखने से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह कौन सी चीजें कहां आ रही हैं। तो वर्किंग नोट के अंदर हम सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ये प्रोसीजर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर हम सबसे पहले कॉस्ट लेंगे, तो आपके एसेट की कॉस्ट है 5 लाख रुपीज। देन हम कॉस्ट में से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन विच इज 12,500। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को लेस करने पर आपकी जो वैल्यू आती है उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं विच इज 3,37,500। देन बुक वैल्यू में से हम लेस करेंगे सेल प्राइस ऑफ एसेट विच इज 2 लाख। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी बुक वैल्यू ज्यादा है सेल प्राइस से, यानी आपको एसेट को बेचने से लॉस हुआ है। तो अगर आप 3,37,500 में से लेस कर देंगे 2 लाख रुपीज, तो आपका लॉस आ जाएगा 1,37,500। और इस तरह आपका प्रोसीजर कंप्लीट होता है। तो यहां पर आपको जो मेन चीज याद रखनी है वो ये है कि जब भी हम एसेट को सोल्ड करें और आपको साथ ही एसेट डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर करना हो, तो सबसे पहले आप वर्किंग नोट में प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करोगे ऑन सेल ऑफ एसेट। इस पूरे वर्किंग नोट को बनाने के बाद आपको जो चीजें यहां लिखवा रहा हूं उसको आपको इसी तरह याद रखना है। इससे आपको एक बार में समझ आ जाएगा कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट में कौन सी चीजें आएंगी और कौन सी चीजें एसेट अकाउंट में आएंगी। तो सबसे पहली चीज कि जो आपकी बुक वैल्यू है 3,37,500, वो आपके दो अकाउंट्स में आएगी। आप उसे मशीनरी अकाउंट में भी लिखोगे और आप उसे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में भी लिखोगे। देन सेल की बात करें तो सेल वैल्यू ऑफ एसेट आपके सिर्फ एक अकाउंट में आएगी, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। एन एसेट को सोल्ड करने से जो लॉस हुआ है वो भी सिर्फ आपका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में आएगा। कॉस्ट और डेप्रिसिएशन को हम किसी भी जगह नहीं लिखेंगे। तो आपको यहां पर यही याद रखना है कि बुक वैल्यू दो जगह आती है, सेल प्राइस एक जगह आएगी, और प्रॉफिट और लॉस दोनों में से जो भी हो वो भी एक जगह आएगा। अब इसको किस तरह लिखना है, तो सबसे पहले जो रूल था वो ये था कि एसेट की बुक वैल्यू को आप ट्रांसफर करोगे एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। तो इसके लिए आप एसेट जो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर मशीनरी है उसके आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे डेट कॉलम में July 1, पर्टिकुलर्स में लिखोगे बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, और अमाउंट कॉलम में जो आपकी बुक वैल्यू आएगी वो आएगी 3,37,500। देन सेम अमाउंट को हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे जिसके लिए आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2018 July 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, और अमाउंट आएगा 3,37,500। इसके बाद आपकी सेकंड चीज है कि आप सेल प्राइस को रिकॉर्ड करेंगे। तो आपको याद रखना है कि सेल करने पर एसेट को एसेट डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले डेट लिखेंगे 2018 July 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और अमाउंट आएगा 2 लाख रुपीज। देन एसेट को सोल्ड करने से आपको लॉस हुआ है, इसे भी हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। आप डेट लिखेंगे July 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और अमाउंट आएगा 1,37,500। इस तरह आपका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कंप्लीट होता है। नाउ क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक ही एसेट थी और उसे हमने बेच दिया है, इसलिए ना तो आपका क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा और ना ही आप रिमेनिंग एसेट पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है। एक ही एसेट थी उसी को हमने बेच दिया, इसलिए आप ना ही क्लोजिंग बैलेंस निकाल पाओगे
और ना ही डेप्रिसिएशन लगा पाओगे। आपको सिर्फ दोनों अकाउंट्स का टोटल करना है। अगर आप मशीनरी अकाउंट का टोटल करोगे तो वो आ जाएगा 3,50,000, और अगर आप मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का टोटल करोगे तो वो आ जाएगा 3,37,500। इस तरह आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये था आपका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर करने का तरीका जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन नहीं करते हो। थोड़ा क्वेश्चन टफ लगेगा क्योंकि प्रोसीजर थोड़ा वियर्ड है, पर अगर आप एक दो बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। आपको सिर्फ नोट्स को फॉलो करना है। नोट्स को एक दो बार लिखिए, उनको याद कीजिए, फिर मेरे साथ इस क्वेश्चन को वापस से सॉल्व कीजिए। ऐसा करने से आपको ये क्वेश्चन एक दो बार में समझ आ जाएगा। देन आप प्रैक्टिस करके एसेट डिस्पोजल अकाउंट के कॉन्सेप्ट को और बेहतर कर पाओगे। फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इस वीडियो के अंदर हमने मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर करना सीख लिया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम वापस से मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे और साथ ही हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी मेंटेन करेंगे। ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन होगा जो हम पार्ट नंबर 11 में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।